नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के राष्ट्र को लोकार्पण के मौके पर आज़ादी के समय 14 अगस्त 1947 के दिन सत्ता के हस्तांतरण की परंपरा को दोहराते हुए पवित्र सेंगोल को स्वीकार करेंगे, जिसे बाद में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनेक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के समय प्राचीन भारतीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पवित्र सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने इस विशेष अवसर और परंपरा के लिए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा था। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने अपने आवास पर लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में तमिलनाडु के अधीनम से आए धार्मिक शिष्टमंडल से सेंगोल को स्वीकार किया था। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का 25 मई को बाड़मेर जैसलमेर जिलों का दौरा है। जोशी आज 25 मई शाम को जैसलमेर पहुंचेंगे। वे जैसलमेर से सीधे भारत सरहद स्थित तनोट माता मंदिर जाएंगे। तनोट मंदिर में पूजा अर्चना कर घंटियाली गांव में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे रात्रि विश्राम तनोट मंदिर में ही करेंगे। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी उनके साथ रहेंगे। बीजेपी जैसलमेर जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीपी जोशी पहली बार जैसलमेर आ रहे हैं। उनके जैसलमेर कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और युवा मोर्चा ने तैयारियां कर ली है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में आयोजित नेशनल यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग कार्यक्रम में खेल मंत्री अशोक चांदना ने युवाओं से भाजपा को किनारे धकेलने की अपील की। उन्होंने कहा, कर्नाटक की जनता ने इसकी शुरुआत कर दी है, अब राजस्थान से भाजपा को साफ करना है। चांदना ने कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर समझदारी के साथ सक्रिय रहने की अपील की। इस ट्रेनिंग में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन ने भी युवाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तेज हुई राजनीति के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए भवन का लोकार्पण नहीं कराना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। गांधी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, संसद में लोकतंत्र की शहनाई बजनी चाहिए, लेकिन जब से स्वघोषित विश्व गुरु पधारे हैं एक तंत्र की तोप चलाई जा रही है, इमारत नहीं नियत बदलो। राजस्थान बोर्ड के 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट आज या कल जारी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार जयपुर में राजस्थान के शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला रिजल्ट की घोषणा कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड 12वीं के आर्ट्स स्ट्रीम रिजल्ट का इंतजार करीब 7 लाख बच्चों को है। राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद इसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर चेक किया जा सकेगा। हर साल दुनिया भर से टूरिस्ट राजस्थान की खूबसूरती का दीदार करने आते हैं। राजस्थान एक ऐतिहासिक राज्य है। कई पुराने महलों को राजस्थान में होटल में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर्यटक राजस्थान की कला और संस्कृति को और नज़दीक से महसूस करने आते हैं। ऐसे में जयपुर के एक होटल को दुनिया भर में आगंतुकों का सबसे पसंदीदा होटल चुना गया है। ये राजस्थान के साथ साथ देश के लिए भी एक गुड न्यूज़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यात्रा संबंधी सेवाएं देने वाली वेबसाइट ट्रिप एडवाइज़र ने एक सूची जारी की है। इस सूची के मुताबिक जयपुर स्थित रामबाग पैलेस को दुनिया भर के आगंतुकों का सबसे पसंदीदा होटल चुना गया है। इस सूची में करीब 190 साल पुराने महल से होटल में तब्दील किया गया रामबाग पैलेस शीर्ष स्थान पर है। गौरतलब है कि इंडियन होटल्स कंपनी के अधीन संचालित होने वाले इस होटल को आतिथ्य क्षेत्र में ज्वेल ऑफ जयपुर भी कहा जाता है। राजस्थान के योजना भवन के बेसमेंट में मिली करोड़ों की नकदी और गोल्ड के मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तल्ख पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आरोपों पर उनसे इस्तीफा मांगा है। डोटासरा ने केंद्र सरकार और राज्य की भर्ती पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी सरकार क्या चुनाव लड़ने के लिए ही पैदा हुई है, पेपर लीक के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डोटासरा ने कहा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा 2013 से ही खेला चल रहा है। उस समय बीजेपी की सरकार थी, राजेंद्र राठौड़ वसुंधरा सरकार के मंत्री थे, वो अपने आप को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं, राठौड़ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाड़मेर जिले की बायतू पुलिस ने संदिग्ध पिकअप और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है।
स्कॉर्पियो गाड़ी में से 2,33,500 रुपये कैश और एक एप्पल का मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों गाड़ियां तस्करों की होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस एप्पल फ़ोन और गाड़ी के नंबरों से पता लगाने में जुटी है। बायतू पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे नंबर 25 पर बायतू पंजी फांटा पर एक बोलेरो पिकअप गाड़ी पलटी खाई हुई है और उसके पास स्कॉर्पियो संदिग्ध हालत में खड़ी पाई गई है। कोटा जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में बुधवार को हंगामा हो गया। इसमें AICC के सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने भी शिरकत की। बैठक में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता के संबोधन के दौरान हंगामा हो गया। कार्यकर्ता धारीवाल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। हालांकि थोड़ी देर बाद मामला शांत हो गया। बैठक बूंदी रोड स्थित निजी रिजॉर्ट में आयोजित की जा रही थी। दरअसल राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने कहा, सरकार में बैठे लोग अगर सरकार की आलोचना करें इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सीकर यूथ कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता जल्द ही दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने को समर्थन देंगे। इस बात की जानकारी सीकर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुकुल खिचड़ ने दी है। दरअसल हाल ही में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद मुकुल खिचड़ सीकर आए, जहां रिंगस से लेकर सीकर तक उनका जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकुल खिचड़ ने कहा कि जब देश के पहलवान मेडल जीत कर आते हैं तो वो देश के बेटे और बेटी हो जाते हैं, लेकिन आज जब वो खुद के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें जाति विशेष राज्य विशेष का बताया जा रहा है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाने के घूसखोर तत्कालीन ASI रघुराज सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। आरोपी हाईकोर्ट से जमानत होने के बाद से ही बाहर है। पिछले महीने ही झालावाड़ SP ने आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी की थी, जिसके बाद ACB की टीम ने चालान पेश किया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हो रही है। बीकानेर शहर में बुधवार दोपहर बादलों ने डेरा डाला, जबकि श्री डूंगरगढ़ के कई गांवों में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। शाम को बीकानेर में भी तेज बारिश शुरू हो गई। श्री डूंगरगढ़ और लूनकर्णसर में भी बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। श्री डूंगरगढ़ के कई गांवों में दोपहर में ही बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में रिमझिम हुई और बाद में ओलों के साथ झमाझम बारिश हुई। बीकानेर के रानी बाजार एरिया में बन रहे रोड अंडरब्रिज की क्वालिटी पर जिला कलेक्टर ने सवाल उठाया है। उन्होंने यहां उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री की जांच के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज को निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बुधवार को नगर निगम, नगर विकास न्यास और वन विभाग के अधिकारियों के साथ सिटी राउंड लिया है। कलाल ने रानी बाजार रेलवे अंडरब्रिज निर्माण कार्य का जायजा लिया और इसे अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। अंडरब्रिज निर्माण में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की क्वालिटी की जांच करने और इस सामग्री का सैंपल पॉलिटेक्निक कॉलेज भिजवाने के निर्देश दिए। झुंझुनू ACB ने चिड़ावा के व्यापारियों से जनसंवाद कार्यक्रम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ACB ASP इस्माइल खान ने बताया कि जनता की जागरूकता से ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। आम आदमी को जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होता दिखे या कोई उनसे रिश्वत मांगते दिखे तो बिना संकोच ACB को बताएं, उनकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका अधिकार है कि सरकारी कार्यालय में आपका काम बिना रिश्वत के हो, लेकिन साथ में ये भी कर्तव्य है कि आपसे कोई लोक सेवक रिश्वत की मांग करता है तो ACB टीम को इसकी सूचना दे। परिवादी द्वारा रिश्वत में दिए जाने वाली राशि के संबंध में सरकार ने अब रिवॉल्विंग फंड का प्रावधान किया है, जिसके तहत जब्तशुदा रिश्वत राशि के बदले में रिवॉल्विंग फंड से परिवादी को रुपये वापस किए जाते हैं। टोंक जिले के आवा में लगे महंगाई राहत शिविर में कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने व्यवस्थाओं को लेकर दूनी तहसीलदार को फटकार लगाई और आवा गिरदावर को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। राज्य सरकार की ओर से लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविर में निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर चिन्मय गोपाल कर्मचारियों की कार्यशैली से नाराज दिखी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।